सिद्धार्थनगर जिले के 35वें दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सांसद जगदम्बिका पाल, सदर विधायक श्याम धनी राही, डुमरियागंज विधायिका सैदा खातून शामिल हुई। जिले के स्थापना दिवस कार्यक्रम में जिले के डीएम और एसपी का नदारत रहना भी चर्चा का विषय बना रहा। इनके अलावा प्रभारी डीएम के रूप में सीडीओ जयंत कुमार व एडीएम उमा शंकर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यालय के साड़ी तिराहे पर सिद्धार्थ की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ और जगह जगह पर गौतम बुद्ध की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया गया। इसके अलावा कपिलवस्तु स्तूप पर पहुंचकर पूजा अर्चना की गई और जिले की तरक्की की कामना की गई। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु शामिल हुए और इन्हीं के नेतृत्व में स्तूप पूजन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। और इस दौरान बौद्ध भिक्षु के गुरु एस्था ने मौजूद जनप्रतिनिधियों का अधिकारियों से क्षेत्र के बौद्ध अवशेषों के संरक्षण एवं भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को यहां स्थापित करने की मांग की। इसके अलावा विधायक व सांसद ने सभी को संबोधित कर बौद्ध भिक्षुओं की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस के लिए विपश्यना केंद्र, थीम पार्क इत्यादि कार्यों के लिए पैसा आवंटित हो चुका है। जमीन अधिग्रहण का कार्य भी हो गया है। जल्द ही इसके विकास के कार्य तेजी से शुरू होंगे और भगवान बुद्ध की अस्थि कलश को भी लाने का प्रयास जल्द से जल्द किया जाएगा। तथागत गौतम बुद्ध की धरती, जहां पे गौतम बुद्ध पिता श्री के साथ, राजा सुद्धोधन माँ यशोदरा के साथ 29 वर्षों तक इसी राजप्रसाद में रहे हों, आज उस धरती के जनपद का स्थापना दिवस है, जो पूरे विश्व को आज भी गौतम बुद्ध का संदेश करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का दे रहा है। पूरी दुनिया में आज भी गौतम बुद्ध की प्रासंगिकता है, भविष्य में भी प्रासंगिकता बनी रहेगी। और ये गौतम बुद्ध की धरती का हमको सौभाग्य है कि आज इसका विकास उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार कर रही है। 24 करोड़ विपासना केंद्र के लिए मिल चुका है, 10 करोड़ विपासना पार्क के लिए मिल चुका है, 33 करोड़ यहाँ पे बुद्ध स्वागत सेंटर, बुद्ध थीम पार्क और हेलीपैड, इन सब चीज़ों के लिए हो चुका है। यहाँ पे संग्रहालय स्थापित हो चुका है। आने वाले दिनों में हमारे प्रशासन के द्वारा और भी ज़मीन अधिग्रहित किया जा रहा है, जिससे कि हम तमाम जो बुद्ध के मानने वाले देश हैं उनको भी उनको लैंड अलाट कर सकें और वो लोग भी अपने अपने देश के मंदिर का निर्माण करें, जिससे जैसे सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया का विकास है, उसी तरह से गौतम बुद्ध की धरती का विकास हो। अस्थि कलश की मांग लंबे समय से की जा रही, इसको लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, अस्थि कलश पहले तो यहाँ संग्रहालय ही नहीं था, तो हम लोगों ने प्रयास किया, आज संग्रहालय बन गया है। अब अस्थि कलश भी हो या पिपरी हो या सालारगढ़ हो, इन सब जो आसपास के भी और स्तूप हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अब इसकी भी खुदाई हो। और मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे बौद्ध का के काल का कार्यकाल खंड का बहुत ही इतिहास मिलेगा, तो मैं अब इस दिशा में डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से ये प्रयास करूँगा कि इन तीन स्थान की, जिसकी बौद्ध भिक्षुओं ने मांग किया, उसकी भी खुदाई हो।